नाम है आपका? पवन। पवन जी, क्या मामला है? मामला है, ग्राम रामकुआ जी कुकापुर मौजे में पड़ता है, जयपुर ब्लॉक है ना, यहाँ बाउंड्री वाल का काम चल रहा था। जैसे पहले दिन न्यू से स्टार्ट होता है काम, तो न्यू का काम जैसे स्टार्ट हुआ, लेकिन तो सबसे पहले ठेकेदार ने उसकी खुदाई बहुत कम की। खुदाई होने के बाद जब पीसीसी अद्दा रोड़ा डाले जाते वो भी नहीं डाले। खुदाई कम होने के कारण गारे में पहले चिनाई की उन्होंने, बहुत गाँव वालों ने मना करने के बावजूद भी उन्होंने गारे में चिनाई की। गारे में चिनाई के बाद उन्होंने जल्दी जल्दी डाक डूब दिया। उसके बाद तीन नंबर की ईंट लगाते, पीरा बोलते हैं ना, सीमेंट की क्वालिटी बहुत बेकार है। पूरा गांव विरोध करता है, लेकिन ठेकेदार अपनी बात मानता नहीं। प्रधान ही उन्हीं के गांव का है, ठेकेदार उन्हीं गांव का है। प्रधान है हमारा अर्जुन, वो उन्हें दबा के रखते हैं, लेकिन ठेकेदार अपनी मनमानी करते। गांव वाले कुछ बोलते हैं तब भी वो दबा धमका देते, कहते जैसा हम करेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। उसका नतीजा आप देख रहे हैं, पूरी नई दीवार एक दिन में गिर पड़ी है, 6 फुट की पूरी दीवार होने के बाद पूरी गिर पड़ी। दीवार गिरी, इससे किसी जान माल का कोई नुकसान? हाँ, बच्चे खेल रहे थे, लंच टाइम था स्कूल का, और लेकिन एक बुजुर्ग के चोट आई है पैर में, वो छाँव की वजह से वहाँ बैठे थे, पेड़ था दीवाली छाँव में बैठे थे, उनके पैर में चोट है। क्या आपने इस मामले में किसी उच्च अधिकारी से कोई शिकायत वगैरह? आपने उच्च अधिकारी क्या, पहले जब साइड पर काम किसी काम पर चलता है, लेकिन कोई अधिकारी आता है विजिट पे, यहाँ पर ना कोई अधिकारी आया ना कोई, मां ठेकेदार आते वो जाते, यहाँ तक कि प्रधान भी नहीं आया। अब क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं काम हो, अच्छा काम हो, क्वालिटी में काम हो, ड्रॉइंग के अनुसार काम हो। आपका लागन सिंह, क्या मामला हुआ है? दीवालगिरी और जनी जनी भाग भाई ने पाए भाई लग पाई और फिर वहीं गई रहे। तो आप वहीं बाउंड्री वॉल बन रही थी वहीं बैठे थे? हाँ वहीं बैठे। अच्छा, आपके सामने दीवार गिरी है? कौन से गांव है ये? रामकुआ। स्कूल की बाउंड्री वॉल बन रही थी? जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।